हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएस क्लासेस एंड दिस इज़ अरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इंडियन पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सैलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हाँ, यूनिक की सेंस में बोला जा सकता है, कंटेंट के बेस में बोलते हैं, स्पिरिट के बेस में बोलते हैं। अगर आप बाकी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे ना, तो हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल आपको एक यूनिक अलग तरह का जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये भी चीज़ पता होगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बारोड कॉन्स्टिट्यूशन है। बारो का मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया है, सपोज करो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA हो गया, ठीक है, UK हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ हैं। इस कंट्री ने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ उसके लूप होल्स या ड्रॉबैक्स होंगे, है ना। इस कंट्री ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और कुछ लूप होल या ड्रॉबैक्स होंगे। वैसे ही सेम आप बात करो स्विट्ज़रलैंड की और बाकी ABCD कोई भी आप कंट्री की बात करो, ठीक है, इंडिया को छोड़ के, तो उन्होंने अपना जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा उसके कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस होंगी। ठीक है, अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो अडॉप्ट कर ली। ओके, जो ड्रॉबैक्स थे उनकी कंट्री के, जो लूप होल्स थे, उनको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हो, हमने USA से भी जो उनके हम बात करें जो पॉजिटिव था उनका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने अडॉप्ट किया, इनका भी पॉजिटिव अडॉप्ट किया, इनका भी पॉजिटिव हमने अडॉप्ट किया। तो आप देख सकते हो कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा एक बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम बोलेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमने बारो किया है, हमने दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छे अच्छी चीज़ों को जो है वो अडॉप्ट किया है, बुरी चीज़ें जो है उनकी जो सक्सेसफुल चीज़ें नहीं है, ड्रॉबैक है, उनको हमने साइडलाइन किया है, और हमने उनके जो पॉजिटिव है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का, वो चीज़ों को अडॉप्ट करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है बिल्कुल एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमने एक बारो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डिफरेंट बनाते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि हम बात करें, अब वो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को देखेंगे, वहीं से हमें क्लैरिटी प्रॉपर जो है वो लग पाएगी। देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये हुआ, आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, है ना। आप ये तो नहीं बोल सकते कि मुंह से बोला हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना, प्रॉपर एक आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, इसी लिखा हुआ आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, लिखे हुए आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलती है, सेंटर स्टेट रिलेशंस देखने को मिलते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, प्रेजिडेंट के बारे में पता चलता है, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, पार्लियामेंट, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो आप यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, बोलने से नहीं है, हम ये बोलेंगे एक रिटन डॉक्यूमेंट है और लेंथीएस्ट है। अब लेंथीएस्ट क्यों बन जाता है, अभी वो हम यहाँ पे अच्छा तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, अब लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन के बारे में प्रोविजंस हैं, है ना, गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम बात करें म्यूनसिपैलिटीज़, है ना, जैसे कि हम पंचायत, तो इस सारे हम बात करें इन सब के प्रोविजंस हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जिसके कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, बाकी आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे, आपको प्रॉपर क्लैरिटी लग जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है, इलेबोरेट है, और आपको ये नहीं है कि आपको समझ ही ना आए, बिल्कुल इलेबोरेट, अच्छे से डिटेल में प्रॉपर एक एक्सप्लेन किया गया हुआ है और डिटेल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें आपको एक प्रीएम्बल देखने को मिलेगा, 395 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं और वही 22 पार्ट्स आ जाएंगे, हमारे 22 पार्ट्स हैं और उन्हीं में हम बात करें 395 आर्टिकल्स इसके अंदर 22 पार्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ हमेशा ये चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं रहती, ये डायनामिक होती है, चेंज होती रहती है। जैसे कि हम बात करें, कई सारी अमेंडमेंट होती है और ऐसी हुई भी हैं, आप देखोगे कि 1951 के बाद से
कई सारे आर्टिकल्स को हमने डिलीट कर दिया है ना, कई सारे आर्टिकल्स को हमने ऐड ऑन किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेक्स्ट बुक अगर देखूं तो वो क्या बात करता है, वो ये बोलता है, बट ये चेंज होता रहता है, ये आप लोगों ने खुद, ये करंट अफेयर रहता है, या आप लोगों ने खुद चेक करना है कि अभी हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, ठीक है। अभी जो आपकी किताब में लिखा होगा मैं उसी के ही बेसिस में आपको बता रहा हूँ, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि कई सारे अमेंडमेंट हो चुकी हैं 1951 के बाद, हम ये बोलेंगे 20 आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया है, और पार्ट हम बात करें 7, ठीक है, पार्ट 7 को भी डिलीट किया गया हुआ है, और कुछ पार्ट्स को ऐड ऑन किया गया है, जैसे पार्ट 4 हो गया, इसको ऐड ऑन किया गया है, सॉरी 4 पार्ट्स को ऐड ऑन किया गया है, और 4 शेड्यूल्स को ऐड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि 9th, 10th, 11th और 12th शेड्यूल को ऐड ऑन किया गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल एक स्टैटिक नहीं होता, ये हमारा डायनामिक होता है, ये हमारा चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें कई सारी अमेंडमेंट देखने को मिलती है, और अब ऐसा हम बोल भी सकते हैं, हाँ भाई 1951 के बाद से कई सारी अमेंडमेंट अभी तक हो चुकी है, ठीक है। कई सारे हमने आर्टिकल्स को, पार्ट्स को डिलीट कर दिया, और कई सारे आर्टिकल्स, पार्ट, शेड्यूल को हमने ऐड ऑन किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का जो है, अगर आप देखो, इतने ज़्यादा आपको आर्टिकल्स नहीं देखने को मिलेंगे, इतने ज़्यादा शेड्यूल आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जितने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, शेड्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इवन आफ्टर द रिपील ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, इट स्टिल कंटेन 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। तो अगर आप देखो, हम ये बोलेंगे इतनी ज़्यादा रिपील होने के बावजूद भी, मतलब कि इतना ज़्यादा हमने अपने प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट करने के बावजूद भी, हटाने के बावजूद भी, फिर भी आप देखोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अभी प्रेजेंटली कितने वो आप लोग देखोगे, मैं आपको जो आपकी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, बट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने गूगल से सर्च करके ये नोट करना है, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे यही लेकर चल रहा हूँ, किताब को ही लेकर चल रहा हूँ आपकी, 465 आर्टिकल्स अभी भी हमारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और 12 शेड्यूल्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, फ्रेम किया है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स आप बोल सकते हो, ओके। तो उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपीरियंस को देखा है ना, वही चीज़ मैंने आपको बोला, उनके जो भी डिफेक्ट्स थे उनको अवॉइड किया, उनके लूप होल्स को अवॉइड किया, और उनकी जो अच्छी चीज़ें थी, जो सक्सेसफुल चीज़ें थी, उनको हमने क्या किया, अडॉप्ट किया, तभी हम बोलते हैं कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, एक बारो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आपको देखने को मिलेंगे कई सारे फैक्टर्स बन जाते हैं जिसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, अच्छा खासा हैवी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स की बात करें हम, तो फंडामेंटल राइट्स है, इसके ऊपर ही एक प्रॉपर एक चैप्टर है, ओके। तो ये चैप्टर आप देखोगे कि पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, है ना। और आपको ये भी चीज़ पता होगी कि फंडामेंटल राइट्स है ये हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं। और हम बात करें कि ये भी एक, हम बात करें इससे भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस आप देखोगे, आर्टिकल्स देखोगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स डील करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट से, तो इससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटेल लेंथी बन जाता है। फिर आप बात करो, अब यहाँ पे भैया अभी मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा बल्कि बन जाता है, लेंथी बन जाता है, डिटेल बन जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लो, है ना, आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, सेंटर में भी देखने को मिलता है, स्टेट में भी देखने को मिलता है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमने ये कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये चीज़ को अडॉप्ट किया है। वैसे ही हम बात करते हैं DPSP देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से बोरो किया है, ये हमने बेसिकली कहाँ से लिया है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हम बात करते हैं कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस है ना, ये भी हमने, जैसे आपने सुना होगा स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, है ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये सारे प्रोविजंस भी हमने कहाँ से कॉपी किए हुए हैं, ये भी हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, ठीक है। अब यही नहीं, सिर्फ आप देखोगे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना, इसके अंदर भी कई सारे प्रोविजंस है, बट हम बात करें कि 1935 के बाद और ज़्यादा हम इसको एलैबोरेट कर दिया गया, और ज़्यादा डिटेल कर दिया गया, इससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा बल्कि बन जाता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है ना, इसमें कई सारे हमने प्रोविजंस को ऐड ऑन किया है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव
मैटर से डील करते हैं ओके। यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हमने रिप्रोड्यूस किया है, उसको एक नए सिरे से हमने चेंज किया है, जो 1935 का था उसमें वो तो कुछ नहीं था, उसमें हमने अभी और प्रोविजंस को ऐड ऑन किया है, तो आज के टाइम पे ये अच्छा खासा जो है एक बल्कि बन जाता है। तो ये भी एक फैक्टर बन रहा है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या बन रहा है, एक लेंथी बन रहा है, एक बल्कि बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने आ रहा जो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बल्क प्रोवाइड करने में, उसको अच्छा खासा वॉल्यूम उसका बनाने में। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं, वो मैं बता चुका हूँ, सिंस द एक्ट ऑफ 1935 इटसेल्फ वाज ए लेंथी डिटेल्ड ऑर्गेनिक लॉ, तो मैं बता चुका हूँ कि 1935 का जो लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिटेल है। अगर यही इतना ज़्यादा डिटेल है तो आप ये देखो, इसको जब ऐड ऑन किया जाएगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, है ना। और उसमें ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग प्रोविजंस है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, DPSP बता चुका हूँ आपको, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, है ना, हम बात कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स के रिगार्डिंग, कई सारे हमारे प्रोविजंस हैं जिसके कारण ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बड़ा बल्कि और लेंथी बन चुका है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वही चीज़ मैंने बोला, अब देख लो जुडिशरी से रिलेटेड कई सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना, आपके IAS IPS ये सब हम बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज भी होती हैं आपकी, IES हो गया जैसे, तो ये सारे ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे JKPSC हो गया, है ना, MPPSC हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, तो कई सारी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो हम बात करते हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग भी हम बात करें, वो भी प्रोविजंस हैं, इलेक्शंस के रिगार्डिंग भी प्रोविजंस हैं, तो ये भी बात करेंगे, ये भी क्या कर देते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बल्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब डाइवर्सिटी देख लो कितने सारे लोग यहाँ पे डाइवर्सिटी है ना, अब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हमें यहाँ पे लोग देखने को मिल रहे हैं ना, भाईचारा है सब में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग होने से भी हम बात करेंगे, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कई सारे प्रोविजंस हैं, कई सारे आर्टिकल्स हैं, और उनसे भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये भी एक बल्क प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब जैसे आप बात करो हमारा पूरा पार्ट आ गया आपका 16, या आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से डील करता है, बैकवर्ड क्लासेस से डील करता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, तो ये भी हम बात करें, ये भी प्रोविजन जब ऐड किए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमारा बल्कि हो जाएगा। अब ये देखो पार्ट आप देख लो 17 देख लो, ये डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, सेंट्रल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को आप बोलते हो, इससे भी हम बोलेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बल्कि बन रहा है। और ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा एक पार्ट है पार्ट 18, ठीक है, ये भी हम क्या कर देता है हमारे इसके प्रोविजंस भी ये जब ऐड ऑन किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बल्कि बना देता है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स देख लो, अब आपको पता है कि पार्ट 3 क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स, इसको बिल ऑफ राइट्स ऑफ US भी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से हमने यूनाइटेड स्टेट्स हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। और DPSP देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 इसको डेडिकेटेड है, और इसके लिए हम बात करें, है ना, और ये भी इसके जो प्रोविजंस को ऐड किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी जो हमारा बल्कि बन जाएगा, है ना। और आपको पता है कि ये जो DPSP ये नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स आपके क्या होते हैं, जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब ये हुआ कि फंडामेंटल राइट, जस्टिशिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करती है तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, लेकिन DPSP में ऐसा नहीं है, ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब कोर्ट अगर आप कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट आपके DPSP जो भी गवर्नमेंट की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं कर पाती जो कि DPSP में आते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपको जो है रेमेडी प्रोवाइड नहीं करेगा, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। ठीक है, तो ये तभी हम बोलते हैं क्या होते हैं, DPSP हमारे जो है नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, लेकिन वही अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ये हमारे क्या होते हैं, जस्टिशिएबल होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेसिकली, आप फंडामेंटल राइट्स को लेकर चलो और DPSP को लेकर चलो, मेजर और कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस होता है कि फंडामेंटल राइट्स आपके जस्टिशिएबल होते हैं, वो आपके नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी उसकी वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स के, अगर कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट में जाके आपको रेमेडी मिल जाएगी, आपको कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। लेकिन यही DPSP की बात करते हैं, अगर इसमें आपकी वायलेशन होती है, अगर आप कोर्ट में जाओ तो कोर्ट आपकी बात को जो है वो नहीं भी सुन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं होती स्टेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती, वो गवर्नमेंट को सिर्फ डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आपको ऐसा ऐसा करना है, अगर गवर्नमेंट करे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करे तो आप गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने कोई साफ सफाई नहीं करवाई, अगर वो DPSP के अंडर आता है तो आप बाइंडिंग नहीं, आप गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि आपकी DPSP की वायलेशन हो रही है। ठीक है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। ठीक है, बट अगर वो नहीं भी परफॉर्म करती तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में।
ठीक है। तो बाकी हम देखेंगे जब एक पूरा एक आपका चैप्टर आएगा, ये आपका DPSP, वहाँ पे डिटेल में इसको हम देखेंगे। ओके, फंडामेंटल राइट्स पे आपका पूरा एक चैप्टर आएगा, वहाँ पे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ साइलेंट फीचर्स ही देख रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बोला, अब ये फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स देख लो, DPSP देख लो, ये भी क्या कर देता है, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साइज़ को इनक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी DPSP देख लो, नॉन जस्टिशिएबल बता चुका हूँ आपको मैं, है ना। तो वही फ्यूचर गवर्नमेंट अगर इस चीज़ उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, अगर वो फुलफ़िल नहीं भी करती है, तो उसको आप चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि DPSP आपका नॉन जस्टिशिएबल है, फंडामेंटल राइट्स आपका जस्टिशिएबल है। फिर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम यहाँ बात करें कुछ चीज़ें हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में, है ना। और हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अनटचेबिलिटी आपको पता है कि पुराने टाइम पे अनटचेबिलिटी कितनी ज़्यादा जो है वो प्रिवेल किया करती थी, है ना। और प्रिवेंटिव अगर हम बात करें, डिटेंशन भी होती थी, बिना गलती के ही जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। तो उस चीज़ को भी रोकने के लिए हम बात करें, हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। उस बेसिस में हमने अपने फंडामेंटल राइट्स को भी जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट किया। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया, हमने अनटचेबिलिटी से रिलेटेड भी एक प्रोविज़न बना दिया, हमने जो गिरफ्तारी की जाती है ना, डिटेंशन की जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, उस केस को भी हमने प्रिवेंट करने के लिए हमने इसको भी फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आप बात करो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, उस एक्ट से हमने क्या किया, एक नया चैप्टर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग मैं बात करूँ, Part 4A ये डील करता है जी हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक पार्ट हमने बनाया हुआ है, और 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A जो है पूरा डील करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से। और यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि फंडामेंटल ड्यूटी हमारा जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ये हमने अमेंडमेंट लाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया, और उस एक्ट के थ्रू हम ये बोलेंगे, उस अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये नया चैप्टर ऐड ऑन किया, जिसको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और इसके लिए हमने एक पार्ट डेडिकेटेड कर दिया है, Part 4A, और एक आर्टिकल डेडिकेट कर दिया है, वो है आर्टिकल 51A, ठीक है। तो 51A आर्टिकल जो है वो डील करता है किससे, फंडामेंटल ड्यूटी से। अच्छा, तो इससे भी हम बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करने से हमारा, हम बात करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। अब हम बात करें इंडिया में, देखो सेंटर और स्टेट, है ना, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कौन सी स्टेट की बात कर रहा हूँ, जो पहले हमारी J&K हुआ करती थी, है ना, J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो UT बन गया, अब तो 370 हट चुका हुआ है, अब तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। बट हम बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस बेस में भी हम बात करते हैं कि ये एक लेंथी बन जाता है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ों को डाल दिया जाता है, इससे भी बल्कि और एक हैवी डॉक्यूमेंट ये बन जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स देख लो। अच्छा, यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे कि यहाँ पे कैटेगराइजेशन की गई है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की। जैसे आप, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, एक स्टेट ले लो, ए एक ले लो, बी एक ले लो, सी एक ले लो, डी एक ले लो, ई एक ले लो, एफ, है ना। तो कई सारी स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट्स हैं, इन सारी स्टेट्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस होंगे, है ना। सिक्किम के अलग प्रोविजन, नागालैंड के भी अपने कुछ प्रोविजंस होंगे, है ना, कर्नाटका के कुछ प्रोविजंस होंगे, आर्टिकल्स भी इनके रिलेटेड कुछ डेडिकेटेड है। तो हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें भी ऐड किस में की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में की जाएगी, इसके कारण भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। जैसे देखो, आपको पता है, अब डिमांड्स जो हैं वो की जाती है कुछ स्टेट्स के द्वारा सेंटर के आगे, अब सेंटर उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करता है ना, अब सेंटर उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करता है, उससे रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न आता है, और उस प्रोविज़न को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर दिया जाएगा। जब उस प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन कर दिया जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बन जाएगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, आर्टिकल 371 देख लो, आर्टिकल 371J देख लो, ये आर्टिकल्स हमारे जो है वो स्टेट से डील करते हैं। जैसे आप बात कर सकते हो कि कर्नाटका हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड, सिक्किम हो गया, आंध्र प्रदेश, है ना, इनके रिगार्डिंग कई सारे आर्टिकल्स हैं जो पर्टिकुलर इन स्टेट से डील करते हैं, है ना। तो यहाँ से हम बात करें, ये आर्टिकल्स भी जब इन पर्टिकुलर स्टेट्स के प्रोविजंस के बारे में बात करेगा, तो हम बात करेंगे इससे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन जाता है, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिससे हमने ये देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरली नहीं है, हम बोल के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करते, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है साइलेंट फीचर जो है उसका पहला हमने पार्ट देख लिया, पहला पार्ट हमारा, पहला लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ इसकी जो है लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम आपको पता ही है, पीईएस क्लासेस, वहाँ जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जी हमारा फर्स्ट लेक्चर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।